गढ़वा जिले के हरिहरपुर के लोहरगढ़ा और मेरौनी गांव के पास करीब एक दर्जन से अधिक ग्रामीण सोन नदी के बाढ़ में फंस गए हैं। जानकारी मिलने के बाद प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, एनडीआरएफ की मदद ली गई है। काफी मशक्कत के बाद वहां फंसे लोगों को रेस्क्यू कराया गया है। सभी ग्रामीण सोन नदी के डीला पर रहकर खेती बाड़ी करते हैं। रविवार की रात अचानक सोन नदी में पानी का जलस्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से ग्रामीण निकल नहीं पाए। सोन नदी के तटीय क्षेत्र में हाई अलर्ट जारी किया गया है। आम लोगों को सोन नदी के किनारे जाने से भी फिलहाल मना कर दिया गया है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए खासतौर पर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के इलाके में अलर्ट जारी किया गया है। गढ़वा और पलामू जिला प्रशासन ने सोन के तटीय क्षेत्र में लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है और मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। वहाँ पे टीला है, टीला पे 15-17 आदमी फंसे हुए हैं और लगभग 100 के आसपास मवेशी फंसे हुए हैं। और जहाँ उन लोग अब टीला पे हैं, वहाँ पर भर जंग पानी भी हो गया है, राशन यहाँ उपलब्ध है, पहुंच चुकी है। वहाँ पे टीला है, टीला पे 15-17 आदमी फंसे हुए हैं और लगभग 100 के आसपास मवेशी फंसे हुए हैं। और जहाँ उन लोग अब टीला पे है, वहाँ पर भर जंग पानी भी हो गया है, राशन यहाँ उपलब्ध। और गढ़वा से हमारे सहयोगी अरुण हमारे साथ जुड़े हुए, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। अरुण, देखिए जो खबर आ रही है कि सोन नदी के बाढ़ में कई ग्रामीण जो है फंस गए हैं, अभी वहां पे क्या कुछ स्थिति है, क्या उन ग्रामीणों को रेस्क्यू कर लिया गया है और अभी वहां पे खतरे जैसी कैसी हालात है? बिल्कुल, देखिए सोनाली, आपको बता दें हम कि लगातार हो रही बारिश के कारण, यानी कि जो बाढ़ आई है वो सोन नदी, जो कि सोन नदी उत्तर प्रदेश का जो सोन नदी है, वो रेहंड जो फाटक है उसका, रेहंड डैम का फाटक खोलने के कारण वो लगातार अचानक बाढ़ आ गई। हम बात करें गढ़वा जिले की, जो आपका वो क्षेत्र हमारा है जहाँ पे ये डूबने की खबर सामने आई है, तो अगर हम बात करें वहीं तो टोटल 40 लोग अभी भी लोहरगढ़ा गांव जो है उसे सटा हुआ जो सोन नदी है वहां पे 40 लोग फंसे हुए हैं, जिसमें कि 17 से 18 लोग जो हैं वो अब गढ़वा जिले के हैं और बाकी जो 22 से अधिक की जो संख्या है वो आपका बिहार के तेउरा जो गांव है वहां के लोग फंसे हुए हैं। हम बात करें वहीं तो चूटिया थाना है, जो बिहार राज्य का ये जो सीमा है वहां पे चूटिया थाना है, चूटिया थाना पुलिस भी राहत कार्य बचाव में लगी हुई है। जहां तक बात करें हम गढ़वा जिले की, तो गढ़वा जिला प्रशासन की बात कर ले हम, गढ़वा डीसी, गढ़वा एसपी लगातार उस पर नजर बनाए हुए घटनास्थल पे मौजूद है। एनडीआरएफ की टीम के लिए गढ़वा उपायुक्त ने बात किया है और साफ तौर पर एनडीआरएफ की टीम पहुंच रही है, लेकिन अभी की स्थिति की बात कर ले वहां पे 40 लोग अभी भी जो सोन नदी है उसमें फंसे हुए हैं और अभी भी लोग को डर सता रहा है कि कहीं बड़ा अनहोनी घटना न हो जाए। सोनाली जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अरुण आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए सोन में अचानक पानी बढ़ने से ये हालात पैदा हो गई, जहां ग्रामीण इसमें फंस गए, करीब एक दर्जन ग्रामीण इस बाढ़ में फंस गए। जानकारी मिलने के बाद प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और एनडीआरएफ की मदद ली गई और काफी मशक्कत के बाद वहां फंसे लोगों को रेस्क्यू कराया गया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।